प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है, परंतु भारत में अभी तक इसकी सूचना नहीं मिली है, परंतु सावधानी को ध्यान में रखते हुए कुछ नए फैसले लिए गए हैं। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है, अभी तक भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है, इसलिए आज ही हमने बैठक करके कुछ फैसले किए हैं। एक हमने निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। एक महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यहां आए हैं, आगमन जिनका हुआ है, उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्ध तो उसको आइसोलेशन में रखना, उसकी आवश्यकता है उसके निर्देश दिए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की भी हम संख्या बढ़ाएंगे ताकि अगर कहीं इस तरह की कोई स्थिति बने तो जानकारी का अभाव ना रहे। आज हमने निर्देश दिए हैं जितनी आवश्यक दवाई है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो चाहे दूसरी दवाइयां हों अलग अलग तरह की, उसकी सबकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ऑक्सीजन की लाइनों से लेके अस्पतालों की बाकी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमने लगाए हैं उनको भी चला के देखने के हमने निर्देश दिए, क्योंकि कई जगह उसकी जरूरत पड़ी नहीं रही थी यार। इसलिए आवश्यक जितनी तैयारी है वो सारी तैयारियां अस्पतालों में दवाई के स्तर पर, फिर रोज जो टेस्ट होते हैं उसके स्तर पर अभी लगभग 58,000-60,000 हो रहे हैं, हम उसकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भारत सरकार और WHO के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे, उस दिशा में भी निर्देश दिए हैं, कार्रवाइयां हम करेंगे। एक जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हुआ है और इसलिए हमने तय किया है तत्काल प्रभाव, मतलब कल से, आज तो रविवार है, स्कूल खुलेंगे लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या 50% होगी, मतलब 6 दिन में से 3 दिन बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे 50% कैपेसिटी के कारण, 50% एक दिन आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे। उसके साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी पड़ेगी ताकि विकल्प पालकों के पास रहे कि वह अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए, इसलिए विकल्प सामने रहे। पेरेंट्स की इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल जाएंगे, बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे, पेरेंट भेजेंगे भी नहीं लेकिन हम उनकी अनुमति आवश्यक होगी। सेकेंड डोज टीके का लगभग हमारे यहां 62% को 62.5% लोगों को लग चुका है, रोज टीके लग रहे हैं लेकिन 1 तारीख को हमारे टीकाकरण का फिर विशेष अभियान है, महाअभियान। सभी से मैं अपील करता हूं कि पूरी ताकत से जुट के जो शेष बचे हैं सेकेंड डोज के लिए या फर्स्ट के लिए भी कोई शेष बच गया है तो उसका टीकाकरण पूरा हो जाए,
29 तारीख को पहले से ही मेरा तय था कलेक्टर एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उसमें हम कोविड की पूरी समीक्षा करके सभी आवश्यक निर्देश कल कलेक्टर्स को, एसपी को, संबंधित और अधिकारियों को, कमिश्नर आईजी सबको दिए जाएंगे। प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगा। 1 तारीख को सवेरे मैं 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से चर्चा करूंगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमारे जिलों की, मंडलों की, ब्लॉक्स की और पंचायतों की, और सबको हम तैयार रखेंगे कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हम कमर कस के तैयार रहें, क्योंकि बिना समाज के सहयोग की ये लड़ाई जीतना कठिन होता। पहले भी समाज के सहयोग से हम लोग जीते हैं। मास्क लगाना और दूरी बनाना, अभी हम कार्यक्रमों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे, हम लोग नजर रखे हुए हैं स्थिति पर, वो देखेंगे। लेकिन ये अपील और आग्रह सभी प्रदेशवासियों से है कि कार्यक्रम में जाएं लेकिन मास्क लगाए रहें, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ पहले की तरह साफ करते रहें, और जरा भी लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत टेस्ट, वैसे भी टेस्ट में सहयोग करें लेकिन तुरंत टेस्ट करवाएं। अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है। प्रमुख रूप से 2 शहरों में ही पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इंदौर और भोपाल में, और उनकी संख्या भी ऐसी नहीं है जो आज हमारे मन में डर पैदा करे, लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि इंदौर से फिर बाकी जगह मालवा और निमाड़ में और भोपाल से आसपास अगर संक्रमण फैला तो वो फैलता है, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो पॉजिटिव पाए गए उनका पूरा ध्यान के वो आइसोलेशन में रहे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, अस्पताल में जाने की जरूरत है तो अस्पताल ले जाने की व्यवस्था, ये हम सब करेंगे, क्योंकि अफ्रीका में और दुनिया के कई देशों में ये जो नया वेरिएंट है वो और ज्यादा तेजी से फैलता है, ऐसे समाचार आ रहे हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक है। और मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि बिल्कुल भी असावधान ना रहें, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जो आवश्यक नियम है उन सबका पालन करें। सरकार आपके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि तीसरी लहर ना आ पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।